ऑटो कैट की जानकारी हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें कैट करियर चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँ। इस नए टॉपिक में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का एसोमेट्रिक प्रोजेक्शन डेवलप करने का तरीका सीखेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। आज एक्सरसाइज 1 में मैं आपके लिए एक बेसिक ड्राइंग लेकर आया हूँ, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को कैसे डेवलप किया जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। और अगर आप कैट करियर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को खत्म होने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ड्राइंग मैंने ओपन किया है जो कि अभी ऑटोकैड में बना हुआ नहीं है, मैं इसको आपको ऑटोकैड में डेवलप करके बताऊंगा। सबसे पहले ऊपर में देखिए, इस ड्राइंग का फ्रंट एलिवेशन है और इसी फ्रंट एलिवेशन का टॉप व्यू है, ये यानी कि प्लान व्यू है, और इसी का आइसोमेट्रिक यहाँ पे डेवलप किया है। मैंने एक सिंपल सा ड्राइंग इसलिए ओपन किया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं और आपका कंसेप्ट बेसिक से क्लियर कर सकूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस ड्राइंग का डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर में किया हुआ है, इसलिए मैंने ऑलरेडी इस पेज का यूनिट लिमिट और डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग सेट करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी उस ड्राइंग को बना करके रखा हुआ है ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले इस ड्राइंग का फ्रंट व्यू मैं आपको बना करके दिखाऊंगा और इस फ्रंट व्यू से मैं टॉप व्यू बनाऊंगा और फिर इस दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को रेफरेंस मानते हुए आइसोमेट्रिक व्यू को कैसे डेवलप करते हैं वो भी बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ फ्रंट व्यू पे ध्यान देते हैं। फ्रंट व्यू में ऑब्जेक्ट का सारा डायमेंशन मौजूद है, इसको बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बस इसको कहीं से शुरू करना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे में रेक्टेंगल है, इसका लेंथ 4 cm है और विड्थ जो है वो 1 cm है, तो इसी को सबसे पहले बनाते हैं। तो एक लाइन लेंगे 4 cm का और फिर ऊपर की तरफ एक लाइन लेंगे 1 cm का, फिर इस साइड लाइन लेंगे 4 cm का और फिर इसको यहाँ मिला देंगे। तो इस तरह से ये नीचे का जो रेक्टेंगल यहाँ बना हुआ है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब दूसरा स्टेप करना है, ये बड़ा वाला सर्किल बनाना है और ये छोटा वाला सर्किल बनाना है। बड़े वाले सर्किल का रेडियस दिया हुआ 1.5, लेकिन छोटे वाले सर्किल का रेडियस दिया हुआ नहीं है। फ्रेंड्स, ड्राइंग में कुछ चीजों का डायमेंशन ऐसा होता है जो आपको खुद से निकालना होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 cm है, जो कि इसका इस छोटे वाले सर्किल का डायमीटर बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगा 0.5, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो उस हिसाब से बड़े वाले सर्किल का रेडियस 1.5 होगा और छोटे वाले सर्किल का रेडियस जो है वो 0.5 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, इस रेक्टेंगल के ऊपर वाले लाइन के मिड पॉइंट पे एक सर्किल बनाएंगे 1.5 का और ठीक उसी सेंटर पे एक और सर्किल बनाएंगे 0.5 रेडियस का। अब ट्रिम कमांड की हेल्प से ऊपर वाले लाइन को बाउंड्री मान करके ऊपर वाले पोर्शन को डिलीट कर देंगे और फिर इस दोनों सर्किल को सिलेक्ट करके मूव कमांड की हेल्प से ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। अब देखिए, ये स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको ये चारों लाइन बनाना है, वर्टिकल लाइन, और उसका डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 3 cm। तो क्या करना होगा, लाइन कमांड की हेल्प से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक लाइन बनाना होगा 3 cm का और इस तरफ ये जब बन जाएगा फिर इसी तरह से इस पोजिशन पे भी एक लाइन बनाना होगा 3 cm का और फिर इस पोजिशन से भी एक लाइन बनाना होगा 3 cm और उसी तरह से यहाँ पे भी एक लाइन बनाना होगा 3 cm। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए और फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो इस तरह से ये जो फ्रंट व्यू है वो आपका तैयार हो चुका है। अब इसका आप डायमेंशन आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं इसका डायमेंशन आपको निकाल करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। रेडियस भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये सेम टू सेम हो गया उसी के जैसा। जब आपका फ्रंट व्यू तैयार हो गया, इसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं, टॉप व्यू तैयार करते हैं। तो टॉप व्यू तैयार करने का क्या तरीका है, सबसे पहले एक लाइन लेंगे एक इस कॉर्नर से नीचे की तरफ, इस तरह से एक लाइन ले लिए और इसी लाइन को कॉपी करेंगे कहां कहां पे, उसको ध्यान से देखिए। जो जो एज पॉइंट दिख रहा है, जैसे कि ये एज है, दूसरा एज यहाँ है, तीसरा एज यहाँ है, चौथा एज यहाँ है, इसके बाद एक एज यहाँ पे है, यानी जो जो एज है उस एज पे लाइन ले लिया हमने। अब क्या करना होगा, नीचे एक बेस लाइन बनाएंगे और इस बेस लाइन को बाउंड्री मान करके नीचे ट्रिम कर लेंगे और बाकी इस लाइन तक बाकी को एक्सटेंड कर लेंगे। ये एक तरह से बेस लाइन हो गया। अब आइए, इसका जो डेप्थ है वो कितना दिया हुआ है, 4 cm। तो 4 cm का ऑफसेट ले लेंगे इस पोजीशन से ऊपर की तरफ, ये हो गया, और बाकी को ट्रिम कमांड की हेल्प से ट्रिम कर देंगे।
आसानी के साथ। तो इस तरह से ये आपका टॉप व्यू जो है वो रेफरेंस के साथ तैयार हो चुका है। ये दोनों तैयार हो चुका है, इसका डायमेंशन भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ये 4 cm है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने फ्रंट व्यू के जरिए से टॉप व्यू तैयार कर लिया रेफरेंस लाइन की हेल्प से। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करना। आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस लाइन यहाँ पे ऐसे बना लेंगे इसके बराबर में, ताकि आपका जो आइसोमेट्रिक व्यू हो वो जस्ट इसके सामने हो, देखने में भी अच्छा लगेगा। अब आपको क्या करना होगा, जब ये कर लेंगे इसके बाद आएंगे टूल्स मेन्यू में, ड्राफ्टिंग सेटिंग में। ड्राफ्टिंग सेटिंग में आने के बाद स्नैप टाइप को आइसोमेट्रिक स्नैप करके ओके कर देंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि अब आपको आइसोमेट्रिक में ड्राइंग बनाना है, और आइसोमेट्रिक में ड्राइंग बनाने के लिए मैंने आइसोमेट्रिक का जब लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने कहा था कि फंक्शन की F5 का यूज करके आइसो प्लेन को चेंज करते हैं, क्योंकि आइसोमेट्रिक में 3 प्लेन पे ड्राइंग बनता है, आइसो प्लेन लेफ्ट, आइसो प्लेन टॉप और आइसो प्लेन राइट। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किस तरीके से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को रेफरेंस मानते हुए आइसोमेट्रिक में ड्राइंग को डेवलप किया जाए। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को डेवलप करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को देखना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू का लेंथ कितना है, यानी जिस ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमें डेवलप करना है उसका सामने से लेंथ कितना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का सामने से लेंथ 4 cm है, तो उसके लिए आइसोप्लेन राइट में एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4 cm का। उसके बाद ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का पीछे की तरफ लेंथ कितना है। यहाँ पे टॉप व्यू को देखने के बाद पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो पीछे की तरफ लेंथ है, यानी जिसको कि आप डेप्थ कहते हैं, वो यहाँ पे 4 cm शो कर रहा है। तो क्या करना होगा, एक आइसोप्लेन लेफ्ट में 4 cm का एक लाइन बनाना होगा। ये दोनों लाइन जब बन जाएगा उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है वो फ्रंट व्यू का हेल्प लेंगे। फ्रंट व्यू देखिए, इसका जो डेप्थ है यानी ये जो इसकी इसका जो थिकनेस है वो दिया हुआ है 1 cm। तो क्या करेंगे, इस पोजीशन से ऊपर की तरफ फंक्शन की को प्रेस करेंगे और 1 cm का एक लाइन लेंगे, और फिर जस्ट फंक्शन की को प्रेस करते हुए इस तरफ कितने का लाइन लेंगे, 4 cm का, और फिर यहाँ मिला देंगे। इसी तरह से फिर इस पोजीशन से फंक्शन की को प्रेस करते हुए इस साइड 4 cm का एक लाइन लेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो इस तरह से ये बेड मेरा कंप्लीट हो चुका है। जो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिख रहा था फ्रंट व्यू से, उसी चीज को देखिए ये आइसोमेट्रिक व्यू में इस तरह से ये दिखाई देगा। और अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है ये सर्किल बनाना है, ये बड़ा वाला सर्किल और छोटा वाला सर्किल। तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस हमें मालूम है 1.5, और छोटे वाले सर्किल का भी रेडियस हमने निकाला था 0.5। तो आइसोमेट्रिक में जो सर्किल बनता है वो आइसो सर्किल बनता है, और आइसो सर्किल को यूज करने के लिए इलिप्स कमांड का यूज किया जाता है। कमांड में टाइप करेंगे EL और फिर यहाँ पे आइसो सर्किल का ऑप्शन आएगा, आइसो सर्किल के लिए I प्रेस करेंगे, और फिर उसी तरह से इस सेंटर पे यहाँ पे देखिए ये अभी टॉप व्यू में सर्किल बन रहा है, इसको F5 प्रेस करके, फंक्शन की F5 को प्रेस करके इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये व्यू सही मिल रहा है। इस व्यू में सबसे पहले बड़ा वाला सर्किल बनाएंगे 1.5 का, और फिर उसी सेंटर पे इलिप्स कमांड टाइप करके EL, और फिर आइसो सर्किल में आएंगे, आइसो सर्किल के लिए I लिखेंगे, और फिर उसी सेंटर पे एक और सर्किल बनाएंगे 0.5 का। जब ये दोनों सर्किल बन जाएगा तो फिर उसी तरह से ऊपर वाले लाइन को रेफरेंस मान के इस दोनों को ट्रिम कर देंगे, और फिर इसको मूव कर देंगे, कितना ऊपर की तरफ मूव करेंगे, 1.5 क्यों मूव करेंगे, क्योंकि बड़े वाले सर्किल का जो रेडियस है वो 1.5 है, और उसको जब 1.5 मूव करेंगे तो ये इसके बेस पे आकर के मिल जाएगा। तो जब ये तैयार हो गया, दो काम हो चुका है, एक नीचे का बेड तैयार हो गया यानी ये रेक्टेंगल तैयार हो गया, और सर्किल भी तैयार हो गया। और सर्किल के बाद जो ये ऊपर का जो लाइन का जो लेंथ है वो यहाँ से देखेंगे वो है 3 cm। तो क्या करेंगे, इस लाइन से ऊपर लेंगे 3 cm, और इस लाइन से भी ऊपर लेंगे 3 cm, और फिर इस लाइन से भी ऊपर लेंगे 3 cm, और फिर इस लाइन से भी ऊपर लेंगे 3 cm। देखिए 4 काम हो चुका है, और फिर इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। इस तरह से ये फेस हो गया। अब पीछे की तरफ का फेस बचा हुआ है, तो पीछे की तरफ का फेस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस पोजीशन पे एक लाइन बनाएंगे कितने का, 4 cm का। वो क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसका भी लेंथ जो है वो 4 cm है, तो पीछे भी 4 cm ही होगा, और फिर इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। जब ये दोनों लाइन मिल गया तो फिर ट्रिम कमांड को यूज करके अंदर वाले लाइन को आसानी के साथ ट्रिम कर लेंगे। तो इस तरह से ये फेस तैयार हो चुका है।
अब आपको क्या करना है कि एक लाइन बनाना है और इस बड़े वाले सर्किल के टेंजेंट से एक लाइन बनाते हुए आगे की तरफ लाइन ले जाना है और ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा है उसको ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद इस पोजीशन पे एक और लाइन ऊपर की तरफ रिफरेंस लाइन लेना है और फिर इस पोजीशन पे एक लाइन बनाना है आगे की तरफ और फिर इस दोनों लाइन को ट्रिम कर देना है। ये इस तरह से तैयार हो गया और फिर इस पोजीशन से एक और लाइन आगे की तरफ बनाना है और फिर इस पोजीशन से रिफरेंस लाइन मानते हुए इस तरह से लाइन आगे की तरफ ड्रॉ कर लेना है और फिर वापस उसको ट्रिम करके इस तरह से ये क्रिएट कर लेना है और फिर इस दोनों तीनों लाइन को कॉपी करके जस्ट इस साइड कॉपी कर देना है। अब देखिए ये जो पोजीशन है ये तो अंदर की तरफ चला जाएगा तो इसको ट्रिम कर लेंगे और इसको यहाँ से इरेज कर लेंगे। इस तरह से ये साफ सुथरा दिख रहा है और फिर ये पोजीशन है, इस पोजीशन से एक लाइन नीचे की तरफ आएगा और इसको रिफरेंस मान करके यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो इस तरह से देखिए अब आपका जो ड्राइंग जो यहाँ पे बना हुआ है सेम वही ड्राइंग को मैंने यहाँ पे बना दिया बिना देखे, बस इस दोनों को रिफरेंस मान करके। अब आप इसका एंगल भी चेक कर सकते हैं, डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं, जो भी आपको चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। इस दोनों के बीच का एंगल जो है वो 30 डिग्री ही होगा जो कि यहाँ पे मैंने निकाल दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अगर आपके पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मौजूद हो तो उस दोनों को रेफरेंस मानते हुए आइसोमेट्रिक ड्राइंग को कैसे डेवलप किया जाता है। अगर ये एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अगर इस वीडियो को देखकर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो और आपकी जानकारी थोड़ी सी भी बढ़ी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें जो अभी ऑटोकैड सीख रहे हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा ऑटोकैड से रिलेटेड। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।